Library.CUI जो नाम है ये बड़ा मैटर करता है इंसान की ज़िंदगी में भी और सॉफ्टवेयर की ज़िंदगी में भी। तो सॉफ्टवेयर के अंदर हम अच्छा नाम रखते हैं ताकि हमें याद आ जाए कि हमने ये सॉफ्टवेयर किसके लिए बनाया था और क्यों बनाया। पहले तो मैंने इसका नाम रखा लाइब्रेरी, यानी एक लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर हम बनाने जा रहे हैं। आगे है CUI यानी कंसोल यूज़र इंटरफेस। कंसोल यूज़र इंटरफेस का क्या मतलब है कि ये काली विंडो वाला सॉफ्टवेयर होगा, जैसा कि आपने देखा होगा बहुत सारे हॉस्पिटल में भी चल रहा है और ऑफिस में भी चल रहा है। तो कंसोल एप्लीकेशन बनाने के लिए हम CUI एक एक्रोनिम है जो रख सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे आप वो भी नाम रख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी इसमें हमारी स्क्रीन का रुकना है। हम चलाएं, काली विंडो आई और आने के बाद चली गई, इसको रोकना बड़ा ज़रूरी है। रोकने के लिए जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ने एक कमांड दी है वो है कंसोल डॉट रीड। रीड लाइन भी कर सकते हैं, रीड की भी कर सकते हैं। बात यह है कि रीड लाइन और रीड की में क्या फ़र्क है। रीड लाइन उस वक्त रुकेगा जब हम एंटर की प्रेस करेंगे और रीड की उस वक्त चलेगा जब कोई भी की प्रेस कर देंगे। तो किसी भी की से अगर हम अपने सॉफ्टवेयर को रोकना चाहते हैं तो मोस्टली हम रीड की यूज़ करते हैं। अब ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो उतनी देर रुकेगा जब तक कीबोर्ड से कोई भी की ना प्रेस कर, ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं कंसोल डॉट राइट एंटर द ऑथर नेम। String author is equal to console dot read line dot console dot write enter the contribution. String population is equal to console dot read line. Console dot write enter the book type. String title is equal to console dot console dot write enter the ASP NET string ISP NET console dot. अब इसको चलाते हैं और चलाने के बाद क्या कहता है। ऑथर का नाम मांग रहा है, हम कह देते हैं ऑथर का नाम है थॉमस मैकेल। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसने इनपुट उसी लाइन पर मांगी है क्योंकि हमने कंसोल डॉट राइट यूज़ किया है। अगर कंसोल डॉट राइट लाइन यूज़ करते हैं तो फिर ये इनपुट अगली लाइन पर मांगे। पब्लिशर हम कह देते हैं कि पब्लिशर हमारे हैं ए प्रेस। टाइटल है हाउ टू प्रोग्राम सी शार्प ASP.NET। इसने चार इनपुट्स लिए और कुछ भी नहीं दिखाया, राइट की वजह से सेम लाइन पर ही इनपुट ले रहा है। अब इन चारों को हम चाहते हैं कहीं स्टोर करवा दें। स्टोर करवाने के लिए डाटाबेस भी हो सकती है, कोई फाइल भी हो सकती है।
सी शार्प डेटाबेसिस को भी सपोर्ट करता है और फाइल्स को भी सपोर्ट करता है। तो हम यहाँ पर किसी फाइल में स्टोर करवाते हैं, सिस्टम डॉट आईओ की क्लास हमें ज़रूरत पड़ेगी, ले लें। स्ट्रीम राइटर की क्लास होती है राइट करने के लिए। आठ किस्म के पैरामीटर हैं, पाथ पूछ रहा है कहाँ क्रिएट करना है। ठीक है, तो हम कह देते हैं कि कहाँ क्रिएट करें जी, डी भी है, ई भी है, एफ भी है, मैं कह देता हूँ एफ में क्रिएट कर, एफ सेमी कॉलन बैक स्लैश ए बी सी डॉट लाइब्रेरी डॉट। राइट डॉट राइट, क्या राइट करना है, ऑथर राइट डॉट राइट, पब्लिशर राइट डॉट राइट, टाइटल और राइट डॉट राइट आईएसबी और एंड पे राइट डॉट। ठीक है, और यहाँ मैसेज दिखा दें कंसोल डॉट राइट नाइन डाटा सेव। ऑथर नेम थॉमस मैकलेन, पब्लिशर डीसीएस, टाइटल द फर्स्ट वेब आईएसबी। जाके देखें, हम जाते हैं एफ में लाइब्रेरी डॉट टीएक्सटी फाइल, थॉमस मैकलेन जेसीएस द फर्स्ट एक्चुअल पार्टनर। बात यह है इसमें से रीड करेंगे तो कैसे अलग अलग करेंगे, रीड तो हो जाएगा, रीड तो इसको कर लेंगे, इसको बंद करते हैं और यहाँ पर हम कहते हैं स्ट्रीम रीडर होता है, रीडर इज इक्वल टू न्यू स्ट्रीम रीडर, एफ बैक स्लैश लाइब्रेरी डॉट। ठीक है भैया, रीडर स्ट्रीम लाइन इज इक्वल टू रीडर डॉट रीड, पूरी लाइन रीड करते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन लाइन और रीडर डॉट, इसको चलाते हैं। ऑथर नेम थॉमस, पब्लिशर जे सी एस, टाइटल द फर्स्ट स्टेप आई एस पी एन, थॉमस जे सी एस द फर्स्ट स्टेप 434। हो गया स्टोर, लेकिन अब इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते, स्टोर तो हो गया लेकिन मुझे अलग अलग चाहिए। तो जिस हालत में स्टोर हुआ है ये हालत ऐसी नहीं है कि मैं इसको अलग कर सकूँ, उसके लिए हमारे पास एक तरीका कार होता है कि हम सी एस वी फाइल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सी एस वी कहते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, क्या कहते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज।
तो जब मैं इनको राइट कर रहा हूँ, मैं इनके साथ कॉमा भी राइट कर दूंगा। क्या राइट कर दूंगा? कॉमा राइट। जब कॉमा राइट कर दूंगा तो फिर मुझे इनको अलहदा करने के लिए पता होगा सेपरेटर इसका कॉमा है, कॉमे की बुनियाद पर मैं इसको सेपरेट कर, ठीक है। तो करके देख लेते हैं, जहाँ पर ये हम राइट कर रहे हैं यहाँ पर हम स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट 0 नेम एक पहले देख लें, टाइटल द फर्स्ट स्टेप। अब ये टॉम के बाद भी कॉमा, जेसीएस के बाद भी कॉमा और फर्स्ट स्टेप के बाद भी कॉमा है। ये हुआ क्या है, ये फॉर्मेट क्या करता है, जीरो की जगह ऑथर ले आएगा और कॉमा साथ में ऐड कर देगा। ये क्या करेगा, जीरो की जगह पब्लिशर ले आएगा, कॉमा आखिर में। हमें कॉमे की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी वैल्यूज पूरी हो गई, चार वैल्यूज़ के लिए 3 कॉमास काफ़ी, ठीक है। अब जब ये रीड हो गई है तो रीड के बाद हम एक और काम भी कर सकते हैं, क्या है, हाँ, राइट लाइन में हम कहते हैं लाइन डॉट स्प्लिट। स्प्लिट किसके ऊपर करना है, कहते हैं करेक्टर बताओ, सेपरेटर का करेक्टर हम कहते हैं कॉमे पर करना है। स्प्लिट हो गया, स्प्लिट होने के बाद जो सबसे ज़ीरो वाली वैल्यू है वो उठा के डिस्प्ले कर, ठीक है। जब ये वैल्यू ये डिस्प्ले करेगा हम साथ में क्या देते हैं, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट ऑथर नेम इज जीरो। ठीक है, अब इसी तरीके से हम इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं, और यहां हम कह देते हैं पब्लिशर नेम इज वन वाली वैल्यू स्प्लिट के बाद, और वो टाइटल इज ये, और यहाँ क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, और यहाँ पर हम कहते हैं ISBN इज सेम, ओके। चलो ऑथर नेम थॉमस, पब्लिशर JCS, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ABC, ISBN
Author name is Thomas, publisher is JCS, the book title is First Step Towards ABC, and I am ISBN is Alec. साइंस समझ ले, साइंस क्या है, स्प्लिट का फंक्शन क्या लेता है, सेपरेटर लेता है और उसके बाद अरे रिटर्न करता है। अगर मैं इसको अरे में ले लूँगा तो ये अरे में आ जाएगा, अरे को मैं इंडेक्स कर सकता हूँ, यानी अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ स्ट्रिंग वैल्यूज इज इक्वल टू लाइन डॉट स्प्लिट इसके ऊपर कॉम्प्लीट, तो ये पूरी की पूरी वैल्यूज की अरे रिटर्न कर देगा। और यहाँ मैं लिख सकता हूँ वैल्यूज ऑफ जीरो और फिर वैल्यू ऑफ वन और वैल्यू ऑफ टू और वैल्यू के। अब हम इसको चलाते हैं तो ऑथर नेम थॉमस, पब्लिशर ए प्रास, टाइटल हैड फर्स्ट सी शॉप, आई एस बी एन स्प्लिट क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग अरे रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग अरे रिटर्न करेगा। वो स्ट्रिंग अरे हमने ले ली और यहाँ पर इसको डिस्प्ले करा दिया, फाइल में स्टोर भी कराया, फाइल से रीड भी कराया। लेकिन बात ये कि हर दफ़ा एक ही रिकॉर्ड फाइल में राइट हो रहा है और एक ही रिकॉर्ड फाइल में रीड हो रहा है, तो अगर फाइल पहले से है तो उसको अपेंड मोड में खोले ना, उसको किस मोड में खोले, ये देखो हम यहाँ जाते हैं और हमने इतने सारे रिकॉर्ड डाले हैं लेकिन लाइब्रेरी डॉट टेक्स्ट में एक ही पड़ा हुआ है। क्यों एक पड़ा हुआ है, क्योंकि हमने कहा ही नहीं उसको कि तुमने ये राइट मोड में खोलता है ऑटोमेटिकली स्ट्रीम राइटर। अगर मैं इसको अपेंड मोड में खोलना चाहता हूँ तो मुझे बताना पड़ेगा, बताने के लिए पहले चेक करना पड़ेगा कि फाइल है कि नहीं है। उसके लिए स्ट्रिंग फाइल पाथ इज इक्वल टू ये पूरा पाथ उठा लो, ठीक है, फिर यहाँ हम चेक कर लेते हैं इफ फाइल फाइल डॉट एग्जिस्ट फाइल, अगर ये फाइल एग्जिस्ट करती है तो क्या करेगा, ये इसको भी ग्लोबल वेरिएबल बना लेते हैं राइट, अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो राइट को क्या करेगा, स्ट्रीम राइटर फाइल पाथ और ट्रू, ट्रू का क्या मतलब है, ये अपेंड मोड में खोलेगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर else में वो बना दे, स्पेलिंग अलग है, जवाब चार गलत, पंद्रह में से चार गलत हैं तो छः, नब्बे नब्बे में से चौबीस गलत, पेपर अस्सी पे पास होता है बच्चा, दोबारा शुरू हो जाओ, नहीं नहीं इसी पे दोबारा करोगे क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, ये वो अपग्रेड करने के लिए कह रहे हैं, कह रहा कि अगर और क्वेश्चन सही तो प्लीज साइन अप करना, तो साइन अप हो जाओ ना, फ्री है ये, चल साइन अप कर लिए फ्री में ना, प्रैक्टिस करनी है इसकी मांड के ना, ठीक
ठीक हो गया। अब इसको चलाते हैं, पहले से रिकॉर्ड एक मौजूद है, मौजूद है, हम कह देते हैं जेनिफर पब्लिशर एसटीएस टाइटल काउंट्स जस्ट फाइन आईएसबीएन दिस, सेव क्या किया है जेनिफर और पब्लिशर एसकेएस टाइटल अकाउंट जस्ट फन आईएसबीएन ये, लेकिन दिखा रहा गया थॉमस ए प्रेस फर्स्ट, क्योंकि वहां हमने रीड ही एक लाइन की है, जब एक लाइन रीड की है तो वो दूसरी लाइन जो पेंड हुई है वो कहां से आएगी। अब इसको देखते हैं तो हमारे क्या एड वर्ब है, लेकिन बात यह कि जेनिफर भी एक ही लाइन में इसने ऐड कर दिया है, जब नया रिकॉर्ड है तो कहाँ जाना चाहिए, नेक्स्ट लाइन पे जाना चाहिए, जब नया रिकॉर्ड है तो कहाँ जाना चाहिए, नेक्स्ट लाइन पे। तो नेक्स्ट लाइन पे भेजने के लिए जो राइट कर रहे हैं ना, आखिरी वाले को क्या कर देंगे, राइट लाइन, आखिरी वाला क्या करेगा, राइट करने के बाद एक करेक्टर ऐड कर देगा। अब अगर इसको चलाते हैं और हम कहते हैं ऑथर का नाम है विले पब्लिशर वैका टाइटल इंट्रोडक्शन टू वैका और आईएसबीएन, अब जाके देखते हैं इस फाइल को ओपन करते हैं तो अगली लाइन में नहीं गया, वो भी नहीं गया ना, अच्छा अब जो चलाएंगे ऑथर नेम बिशप पब्लिशर ए प्रेस टाइटल लेट्स सी ISBN, okay? खोले फाइल, लो जी खोलते हैं, हाँ नेक्स्ट लाइन में चलाते हैं, okay? अब ये है कि हम चाहते हैं कि ये वाली सारी बातें हमें दोबारा फेस ना करनी पड़े और जितने रिकॉर्ड हैं फाइल में सारे के सारे हमें एक ही दफ़ा दिखा दें, नहीं चारों रिकॉर्ड इकट्ठे दिखा दें, जब चारों रिकॉर्ड इकट्ठे चाहिए तो लूप लगाना पड़ेगा। तो ये जो रीड लाइन वाला काम है ये हम क्या करेंगे, वाइल रीडर डॉट एंड ऑफ स्ट्रीम होता है ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, हम कहेंगे नॉट, जब तक एंड ऑफ स्ट्रीम नहीं होता तुम क्या करो, बटर स्कॉच चलती जाते हैं और फिर ये क्या करेगा, यहाँ पर ये दिखा, ओके आप इसको चलाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ऑथर नेम, ऑथर नेम है हम कहते हैं पब्लिशर टाइटल इट्स इजी टू लर्न अ प्रोग्राम ISBN, सारे के सारे रिकॉर्ड उठाकर शो करा दो, क्लियर, कोई कंफ्यूजन है, जो पहले से आपको असाइनमेंट दी हुई है वो तो चलेगी चलेगी, नई असाइनमेंट दे रहा हूँ जो आपने कल करके लानी दे दो। आप सब ने एक सॉफ्टवेयर बनाना है विद कंसोल इंटरफेस, कंसोल इंटरफेस के साथ आपने क्या बनाना है, सॉफ्टवेयर। उस सॉफ्टवेयर में आप यूज़र से क्या कहेंगे,
enter the customer name. Enter the customer contact number. Enter the customer address. Enter the customer CMIC. Okay, ये सारे record आपने database में store करा दिए. लेकिन इससे पहले एक menu नजर आएगा हमें. क्या नजर आएगा? ऐसे menu ऐसे नजर आएगा. आप कहेंगे menu point of sale. Point of sale का क्या है ये? Menu. ठीक है? Option one. वो कहेगा new record. New customer record. Okay. Two पे होगा change customer record. Three पे होगा delete customer record. और four पे होगा search customer record. और 5 पे होगा exit software EOS. ये मेन्यू नजर आएगा. इस मेन्यू के बाद आपको नजर आएगा enter your choice. ठीक है? और यहां पे अगर वो 1 एंटर करता है तो फिर नीचे वाली स्क्रीन नजर आएगी, ये वाली. ठीक है? अगर वो चेंज करना चाहता है तो वो पूछेगा रिकॉर्ड नंबर बताओ. ठीक है? कस्टमर में नेम के अलावा एक और चीज भी ऐड करेंगे, एंटर द कस्टमर कोड. चेंज में भी कोड मांगेगा, डिलीट में भी कोड मांगेगा. जो कोड वो मांगता है वो वाला रिकॉर्ड आपने डिलीट कर दिया. फाइल में से परमानेंटली क्या कर देना है? कितने फील्ड हैं? 5 फील्ड हैं. ठीक है? कल तक का टाइम है, कल आपने इस असाइनमेंट को बना कर लाना है. और कोशिश करें कि ये जो कोड मैं लिख रहा हूँ इस कोड को आपने नहीं छेड़ना. क्या नहीं करना? इस कोड को नहीं छेड़ना. और यहाँ हम बना देते हैं ASP. ठीक है? और ये हम बना देते हैं लेक्चर 1. ठीक है? और इसमें मैं कह देता हूँ लेक्चर 1 के बाद वाले असाइनमेंट 1. ठीक है? असाइनमेंट उसमें से वो भी सोर्स कोड भी उठा के हम वहाँ पर रख देते हैं ताकि हमें हर रोज़ाना पता हो कि आगे की करना है. तो ये लाइब्रेरी डॉट कहाँ पड़ा हुआ है देख लो. ये जी पड़ा हुआ है दिस पीसी डॉक्यूमेंट्स projects library.cui. control c करते हैं और f में हमने फोल्डर बनाया है और लेक्चर 1 में डाल दिया. ठीक हो गया? वहाँ कॉपी पड़ी है, यहाँ कॉपी पड़ी है. इस कॉपी को किसी ने यूज करना, रोजाना के अखबार से हम इसी से आगे चला करेंगे. ओके, टुडे